फ्रेंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूं। आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल का आइकन है उसको दबा दें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, कुछ अलग और टेस्टी खाने का मन कर रहा है और झटपट बना करके खाने का मन कर रहा है तो उसके लिए आज का ये रेसिपी परफेक्ट है क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट बन जाता है। इसको बनाने में आपको 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और झटपट बन जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मसालेदार, थोड़ा सा चटपटा है और इसको आप आराम से जो है रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं और सिंपल चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आज की रेसिपी है बैगन भाजा की रेसिपी, तो शुरू करते हैं आज का ये बैगन भाजा का रेसिपी बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा वाला जो भंटा बैगन आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली, तो वो मैंने एक लिया हुआ है और उसको काफ़ी अच्छे से राउंड शेप में हमें स्लाइस करना है और स्लाइस करके हमें यहाँ पे पानी में रखते जाना है ताकि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। बैगन और आलू हमेशा काटने के बाद कलर चेंज होता है तो ध्यान रखें कि जब भी इसको स्लाइस करें या फिर कट करें तो हमेशा पानी में काट करके रखें तो बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस काट रही हूँ तो आप चाहे तो यहाँ पतला भी काट सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पक जाता है, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने मसाले लेना है। मसाले के रूप में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी, तो हल्दी लिया है लगभग आधा से एक चम्मच हल्दी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिया है हल्का तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा मैं डालूंगी थोड़ा सा कश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर। उसका थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर लगभग आधा आधा चम्मच और बिल्कुल थोड़ा सा 1/3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर और फिर नमक स्वाद के हिसाब से, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें क्योंकि मसाले में थोड़ा सा कमी नमक डालेंगे तो ज़्यादा सही है। और फिर यहाँ पर हमने लिया है सिर्फ लहसुन लिया है, मैंने अदरक नहीं डाला है यहाँ पर, तो लगभग 5 से 6 लहसुन की कली ले लें और उसको क्रश करके डाल दें या फिर पेस्ट बना के डाल लें। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम हल्का सा पानी डालेंगे। पानी डाल करके क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा जो पेस्ट होता है ना वो बनाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा इसको पतला ना करें नहीं तो फिर हम बैगन पे इसको लपेटेंगे तो लपेटाएगा नहीं। तो बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल करके इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो मसाले लगभग सारे मिक्स हो चुके हैं ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो बैगन लिया है इस बैगन को आप एक प्लेट में निकाल लें, पानी अच्छे से निकाल करके, ज़्यादा पानी ना रखें नहीं तो पानी पानी सा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस का आप ध्यान रखें आराम से। यहाँ पे बैगन में जो है ये मसाले जमने लिए इसको अच्छे से बैगन में लपेटना है। आप ये जो या तो चम्मच की सहायता से कर सकते हैं या फिर सिंपल हाथ की सहायता से भी इस तरह से कर सकते हैं। तो सारे मसाले हम जो है बैगन सारे बैगन में इस तरह से लगा देंगे और बहुत ही झटपट बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो सारे बैगन में इसी तरह से हम लगा देंगे। तो ये देखिए सारे बैगन में हमने सारे मसाले को अच्छे से लपेट दिया है, एक लेयर लगा दिया है, कोट कर दिया है मसालों से। तो अब चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो बनाने के लिए कोई भी आप जो है चौड़ा इस तरह का जो है तवा ले लें क्योंकि इसमें कढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल कोई भी नॉनस्टिक का मैं यहाँ पर तवा ले रही हूँ, आप चाहे तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं। अगर नहीं है ये सब चीज़ तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन फ्लैट वाले में बहुत ही इजीली और एक बार में ही बन जाता है। कढ़ाई में थोड़ा सा शेप अलग होता है तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो नहीं लगेगा मतलब एक साथ आपका नहीं बनेगा। तो इसी तरह का फ्लैट मैंने ले लिया और उसमें सारे तेल लगा करके काफ़ी अच्छे से तवे पर लगा दे, ज़्यादा तेल में नहीं लगता, इसमें बहुत ही कम तेल में भी बनता है। और सारे बैगन को इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे ऊपर से भी एक तेल हल्का हल्का 1-2 बूंद जो है तेल सभी पे गिरा देंगे तो जिससे क्या होगा पकने में इसको बहुत ही आसानी होगा। तो बहुत ही कम तेल में और अच्छे से बन जाता है ये। और इसी तरह बिना ढके ही यहाँ पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि बहुत ही कम सिम गैस पे हम बनाते हैं तो बहुत ही झट से पक जाता है। और सभी को पलट देंगे दूसरे साइड और इसी तरह से उलट पुलट करके हमें दोनों साइड काफ़ी अच्छे से पका लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं बिना ढके ही बना रही हूँ, बीच बीच में मैं हल्का से 1-2 जो है बूंद तेल गिरा दे रही हूँ सभी पे। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है।
तो है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल बैगन भाजा की रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप यकीन मानिए आपको बार बार बनाने का मन जरूर करेगा। तो आज ही आप अपने घर पे बैगन भाजा की रेसिपी ट्राई करें और बताएं कि आपका भी बैगन भाजा का रेसिपी बिल्कुल अच्छा और टेस्टी बना है कि नहीं बना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ही बनेगा, यकीन मानिए आप। तो आज का ये बैगन भाजा का रेसिपी का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक का बटन नीचे है वीडियो के नीचे, और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखना है कुछ नया अपडेट आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। फैमिली का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।